नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। राजगढ़ जिले में यूं तो अनेक अवैध कारोबार संचालित हो रहे हैं, ऐसे अवैध कारोबारियों पर जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग और पुलिस कार्रवाई भी करती है। ऐसे ही एक नकली घी के अवैध धंधे का मामला खिलचेपुर पुलिस द्वारा उजागर किया गया। दरअसल खिलचेपुर पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक मारुति वैन में राजगढ़ की ओर से नकली घी खपाने के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना पर खिलचेपुर पुलिस द्वारा बड़बेली के निकट उक्त मारुति वैन की तलाशी ली गई, तो उसमें से नकली घी के 15 लीटर के तीन टीन सहित छोटे पैकेट भी बरामद किए गए, जिन्हें सांची घी के नकली पैकिंग के रूप में पैक कर रखा था। खिलचेपुर पुलिस द्वारा वाहन चालक अनिल गुप्ता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। राजगढ़ से शंभुदयाल टेलर की रिपोर्ट। थाना खिलचेपुर में कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी, एक सफेद रंग की मारुति MP04-6435 में सांची कंपनी का अवैध घी नकली बेचने के लिए एक व्यक्ति लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर बड़बेली गांव के पास में चेकिंग लगाई गई, तो राजगढ़ की ओर से आने वाली उक्त मारुति वैन चेक किया गया, तो उसमें तीन टीन 15-15 लीटर के सांची कंपनी के व एक एक लीटर के 16 पैकेट व आधा आधा लीटर सांची नकली देसी घी के 30 पैकेट मिले। पूछताछ किया तो उक्त आरोपी अनिल गुप्ता निवासी सुठालिया द्वारा बताया गया कि यह नकली सांची की मैं सस्ते दामों पर ज्यादा से खरीद कर लाया हूँ और महंगे दामों पर बेचने के लिए खिलचेपुर में लाया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.